आपका दृष्टिकोण या आपका स्वभाव, आप लोगों के सामने कैसा पेश आते हो, वो डिसाइड करता है कि आपकी टीम कैसा काम करेगी, आपका बिजनेस कैसा चलेगा। तो वो हम देखेंगे आज। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त आदि हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सदाचार या सद्गुण जिसकी हम बात करते हैं, उसमें का बहुत बड़ा जो एक सद्गुण या सदाचार हमारा होना जरूरी है, वो है नंबर एक कि भाई आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, आपका स्वभाव वो कैसा है। आपका दृष्टिकोण निर्धारित करता है कि आप आपके बिजनेस में आगे कैसे बढ़ने वाले हो या क्या होने वाला है। यदि आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगे और वो आपका एटीट्यूड मैनिपुलेटिव एटीट्यूड होगा, तो लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आपसे जुड़ेंगे नहीं। यदि आपका एटीट्यूड सैडनेस का होगा, निराशा वाला होगा, तो आपके बिजनेस में सब निराशावादी दृष्टिकोण होगा, लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, लोगों का गोल कुछ नहीं होगा, लोग सर्वाइवल की जिंदगी जीते जाएंगे। यदि आपका एटीट्यूड यदि प्यार का होगा, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपके साथ में कुछ भी फिर करने को वो तैयार रहते हैं, आपके लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। यदि आपका एटीट्यूड अफेक्शन का है, तो यदि आपका एटीट्यूड ऐसे बचपना जैसा है, तो फिर आपको लोग एब्यूज करेंगे, आपका दुरुपयोग कर लेंगे और आपका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। यदि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप बहुत नाइस हो, बहुत ही अच्छे अच्छे हो, तो लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं, आपको आपसे ज़्यादा फायदा उठा लेंगे, आपको ना नहीं बोलते आएगा, फिर ना नहीं बोल सकते तो फिर हाँ बोलेंगे, और इच्छा नहीं तभी भी हाँ बोलना पड़ेगा और अपने मर्जी के खिलाफ काम करना पड़ेगा। यदि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि बहुत कॉम्पिटिशन के साथ में आप काम कर रहे हो, तो लोग बहुत नाराज हो जाएंगे और आपके जो कॉम्पिटिटर से आपके पैर खींचना चालू कर देंगे। तो ये दुनिया में आप लोगों को जो देते हो वो आपको मिलता है। आपने ये हरदम देखना चाहिए कि मैं लोगों को क्या देने वाला हूँ, लोगों का एटीट्यूड कैसा रहता है कि मुझे क्या मिलने वाला है। बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस लोगों को देने के लिए होता है, प्रोप्राइटर जो होता है वो लेने के लिए रहता है। तो बिजनेस में कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है, तो वो देखता है कि मैं लोगों को क्या देने वाला हूँ, मेरी कंपनी लोगों को क्या देंगी, लोग जो कंपनी में आएंगे उनको क्या मिलेगा। क्योंकि आप यदि लोगों को देते जाएंगे, आपको देने का एटीट्यूड रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप फ्री रहेंगे, आप खुश रहेंगे, मन को शांति रहेगी, और जो भी लोग आपके साथ में हैं वो भी बहुत मन से काम करेंगे। तो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, आपकी कंपनी कहाँ जाने वाली है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।